अब सबसे बड़ी जिज्ञासा लोगों में यह है कि अब आपके अलायंस में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, और यह भी अजीब है कि बंटवारा और अलायंस का सारा पूरा हुए बिना, अनाउंसमेंट के बिना, बीजेपी ने तो अपने कुछ कैंडिडेट भी घोषित कर दिए। देखिए, हम लोग साथ में बैठे 80% सीटों पर हम लोगों ने अपना मत बना लिया, तो जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई, जो सीटें शिवसेना के हिस्से में आई, जो अजीत पवार जी के एनसीपी के हिस्से में आई, तीनों ने मिलकर तय किया कि अब इन सीटों पर हम लोगों ने सहमति बना ली है, जिस पार्टी को जब चाहे अपने अपने सहूलियत के हिसाब से वो उम्मीदवार घोषित कर सकता है। जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, जिस पर चर्चा अटकी है या जिसके ऊपर अभी डिस्कशन हो रहा है, उस पर कोई डिक्लेयर नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, शिवसेना चाहेगी वो भी जिन सीटों पर दोनों पार्टियों ने उनको सहमति दी है कि भैया आपकी सीटें वो कर सकती है, और जिन पर एनसीपी को हमने सहमति दी वो भी कर सकती है।